हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक डिफरेंट टॉपिक रहेगा ये ठीक है क्योंकि देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो टॉपिक आपके कोई एक पर्टिकुलर मतलब जैसे थ्योरीज हैं या कह लो जो डिफाइंड उसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बट तो तो इधर उधर से टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे आज का टॉपिक है कन्वर्जेंट थिंकिंग डायवर्जेंट थिंकिंग ठीक ये अगर आपसे कोई पूछे तो आपको इसका आइडिया होगा कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है बट एक्चुअल में हमें देखना है कि ये इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं एग्जाम में ठीक ये टॉपिक अगर हम समझेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो कैसे पूछे जाएंगे तो हमने एक्चुअली जो सीडीपी का कोर्स बनाया है वो इस हिसाब से ही बनाया है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में ठीक है वो उस उन क्वेश्चंस को देखते हुए हमने ये टॉपिक्स बनाए हैं ठीक तो वैसे ही आज का टॉपिक है इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जैसे पूछे गए हैं वो आप आज के टॉपिक में समझ जाओगे ठीक है तो क्या है ये टॉपिक ये है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग ठीक हमने एक इंटेलिजेंस में पढ़ा था ना कि गिलफ़र्ड की थ्योरी हमने पढ़ी थी अगर आपको याद है ठीक इंटेलिजेंस में गिलफोर्ड की थ्योरी हमने पढ़ी थी ठीक है तो जैसे उन्होंने मल्टीफैक्टर थ्योरी थी जिनकी उनकी उन्होंने दो उसमें दो टर्म्स बताई थी उन्होंने बताया था कि कन्वर्जेंट प्रोडक्शन होती है हमारे माइंड में और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन होती है हमारे माइंड में उन्होंने कुछ मेंटल ऑपरेशन पढ़े थे हमने थ्री डायमेंशनल देखो मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ एक बार थ्री डायमेंशनल उन्होंने बताया था कि तीन डायमेंशन होते हैं थ्री डायमेंशन की फॉर्म में होते हैं ह्यूमन इंटेलेक्ट ठीक है वन फैक्टर्स की उन्होंने बात की है तो वो था उनकी थ्यूरी और उसी में उन्होंने मेंटल ऑपरेशन के लिए उन्होंने बताया था कि कन्वर्जेंट होती होती है, है, है है तो वही है तो वहीं से ये ये किसने आपने याद रखनी है जेपी गिल्फर्ड ये आपको याद रखना है कि जेपी गिल्फर्ड ने दी है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग कंसेप्ट समझाया है या बताया है ठीक अभी थिंकिंग है क्या दो टाइप की थिंकिंग हो सकती है एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट हम सोचते हैं दोनों ही सोचेंगे अगर हमारी थिंकिंग या फिर एक बच्चा सोच रहा है तो वो कन्वर्जेंट भी सोचेगा वो डाइवर्जेंट भी सोचेगा अब ऐसे नहीं है कि वो एक कोई कन्वर्जेंट ही सोच सकता है और कोई डाइवर्जेंट ही सोच सकता है दोनों दोनों साथ में चलती है बट दोनों का जैसे कोई किसी की डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छी है किसी की कन्वर्जेंट थिंकिंग अच्छी है बट दोनों आपस में क्या है दोनों हमें चाहिए होती है अच्छी थिंकिंग के लिए ठीक अब हम समझते हैं है क्या कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है अब देखो पहले आपने याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस बेसिस में पूछे गए हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग ओपन एंडेड थिंकिंग होती है और कन्वर्जेंट क्लोज एंडेड होती है देखो डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है जो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है डाइवर्जेंट जो अलग अलग डायरेक्शन को निकलता है ठीक वही होता है उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट डायवर्जन जब किसी अलग अलग डायरेक्शन में जाना ठीक याद रखना डायवर्जेंट डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में और कन्वर्जन जब किसी एक पर्टिकुलर चीज में हम रखते हैं जब सोचते हैं ठीक है अब देखो ओपन एंडेड ओपनली अब जो इतनी सारी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो ओपन है और जब देखो यहीं से देखो ना ये मान लो ये ओपन एंडेड क्योंकि ये देखो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा तो ये ओपन एंडेड है और ये सब आ जाके एक ही पर्टिकुलर एक पॉइंट भी मिल रहे हैं तो ये क्लोज एंडेड थिंकिंग है ये आपने याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओपन एंडेड अगर पूछेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड तो आपने याद रखना है डाइवर्जेंट थिंकिंग ओपन एंडेड थिंकिंग होती है कन्वर्जेंट होती है हमारी क्लोज एंडेड ठीक समझ गए ये ये पहला पॉइंट, दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है उसके अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी है तो उसके अंदर कौन सी थिंकिंग होगी तो वो होगी हमारी डाइवर्जेंट तो क्रिएटिविटीज का दूसरा फीचर है जो डायवर्जेंट थिंकिंग देखो जब बच्चा अलग अलग टाइप में सोचेगा अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी क्रिएटिविटी निकल के आएगी अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको इस चीज को मान लो किसी एक बच्चे से हमने पूछा कि बेटा मतलब किसी का रीजन पूछा कि ये चीज ऐसे क्यों होती है ठीक रीजन पूछा कि कोई भी एक क्वेश्चन पूछा ये ऐसा क्यों होता है तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मैम ये इसलिए होती है या फिर ये इसलिए भी हो सकता है तो वो तीन चार चीजें निकाल के रखेगा हमारे आगे कि ये ऐसा भी हो सकता है ये ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी मतलब उसके अलग अलग आंसर होंगे मल्टी आंसर निकलेंगे मैंने आंसर निकलेंगे तो वो बच्चा क्रिएटिव होगा जितने उसके आंसर निकलते हैं जितनी बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग हम जितने उसको हम डेवलप कराएंगे बच्चे की बच्चा उतना ज्यादा क्रिएटिव निकलेगा ये आपने याद रखना है जितनी हम बच्चे की डाइवर्जन थिंकिंग को फोकस करेंगे बच्चा उतना ज्यादा क्रिएटिव निकलेगा बच्चा उतना ज्यादा चीजों के बारे में सोचेगा मल्टी आस्पेक्ट के बारे में सोचेगा मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग हो जाएगी उसकी अलग अलग जगह बच्चा सोचता है ऐसा नहीं है कि कन्वर्जन में ऐसा बच्चा नहीं सोचता इसमें भी सोचता बट यहाँ पे बच्चा यहाँ पे देखो ये डायवर्जेंट थिंकिंग हुआ इसमें क्योंकि अलग अलग आंसर ही निकलते हैं बट कन्वर्जेंट से कोई एक पर्टिकुलर आंसर निकलेगा कोई डायरेक्ट आंसर किसी ने आपसे पूछा आपका नाम क्या है आपका एक पर्टिकुलर आंसर निकलेगा कि मेरा नाम ये है तो वो एक ही आंसर निकला ओनली वन आंसर निकलेगा अब आपको वो बोलेंगे कि आप जहां रहते हो ठीक उस जगह के बारे में मुझे कुछ बताओ मान लो आपसे पूछा कि आप जहां रहते हो आपका जो होम टाउन टाउन है या फिर आप जहां रहते हो वहीं पे आप मुझे उस जगह की कुछ स्पेशलिटी बता दो ठीक स्पेशलिटी पूछी है अब आप वहाँ एक आंसर तो दोगे नहीं वहां आपके पास कितने आंसर होंगे यहाँ पे ये भी होता है मेरे वहां ये भी होता है ऐसा होता है वैसा होता है ये चीजें मिलती हैं तो वहां पे आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी समझ रहे हो वहां पे आपकी डिफरेंट आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताओगे आप कितने आंसर्स निकल के आएंगे आपकी वहां पे तो यही चीज है एग्जाम्पल से समझ गए आप कि डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स ये बच्चे की क्रिएटिविटी लेके आता है इसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन सॉरी सोल्यूशन आता है इसमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे हम आते हैं जिसका डायरेक्ट आंसर निकलता है 2 प्लस टू इक्वल टू फोर टू प्लस टू इक्वल टू एट नहीं हो सकता ठीक तो वो पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन ही निकलेगा जिस चीज का एक पर्टिकुलर आंसर ही निकला जिसके ऊपर हम ज्यादा जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं हम देते हैं ना सी चैट में एमसीक्यूज आ गए ट्रू फॉल्स आ गए यस नो ऐसे क्वेश्चन जिसका हमें

ठीक तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें ठीक है जहां पे आपका एक पर्टिकुलर कोई एक सलूशन निकल के आएगा बट जब हम बात करेंगे डाइवर्जेंट की तो यहाँ पे हम मान लो बीएड अब आप सीटेट में गए सीटेट में आपको कन्वर्जन थिंकिंग काम है जब हम बीएड के एग्जाम देते हैं अगर आपको याद है तो हम बी के एग्जाम्स में देखो हमारा जो आ, हम जब पेपर देते हैं तो सब्जेक्टिव देते हैं और जितना हमारे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम उतना एक्सप्रेस कर देते हैं ठीक हम उसे अच्छे फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब करते हैं आंसर्स को हम अपने अच्छे चीज को इंट्रोडक्शन देते हैं मतलब अपने अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाते हैं ना हम बीएड के एग्जाम कैसे होते हैं हम जब एग्जाम्स देते देते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी निकल के आती है ना हम कितने अच्छे से फ्लो चार्ट कोई मतलब अच्छे से मतलब उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी निकल रही है वहां पे हम जस्ट एक कोई आंसर ही देंगे वहां पे हम अपने तरीके से कुछ भी समझा सकते हैं एग्जामिनर को अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके हम अच्छे से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉरी सब्जेक्टिव टाइप हाँ क्वेश्चन आंसर होते हैं इसमें सब्जेक्टिव जिसमें हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं जिसमें कुछ एक एक पर्टिकुलर आंसर तो नहीं निकलेगा वहां पे कोई एक क्वेश्चन पूछेगा हम उसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर बता सकते हैं मतलब हम उसको उसको इंट्रोडक्शन में डिवाइड करेंगे फिर हम उसका मेन कंटेंट लिखेंगे फिर कोई फ्लोर चार्ट बना के दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे ये होता है और हम अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं उसमें है ना तो हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं तो वो होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग क्योंकि उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट से चीजों को लगा रहे हैं बट कन्वर्जन में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते वहां पे हमें सिर्फ एक ऑप्शन ही चूज करना होता है हमें सब कुछ सोच समझ के हम क्या करते हैं जब एग्जाम देते हैं सी टेट का हम सब कुछ सोच लेते हैं यार ये यहाँ ऐसे ठीक बैठेगा ये ऐसे ठीक बैठेगा तो हम इतना कुछ सोच करके थिंकिंग तो करते ही आप वैसे नहीं कि इसमें थिंकिंग नहीं करते हमारी थिंकिंग काम आती है इसमें हमारी लॉजिकल थिंकिंग काम आती है बस ये चीज याद रखनी है लॉजिकल मतलब हम पूरे लॉजिक लगा समझो फिर से समझो हम इसमें अच्छे से लॉजिक लगाएंगे दिमाग में अच्छे से सोचेंगे अगर हम कोई एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं मानो सी सेट का तो हम अच्छे से सोचेंगे यार अगर ये आंसर अगर जीन जींद प्याजा क्वेश्चन पूछा है तो ये जीन प्याजे ही होगा या वाई गोट्स के ही होंगे हम लॉजिक लगाएंगे नहीं उसकी थ्योरी में ये था इसकी थ्योरी में ये था इसमें ये रिलेट करेगा इसमें ये रिलेट कर चलो जी फिर आंसर हमारा टिक कर देंगे हम ठीक फिर हम अपना आंसर ये टिक कर देते हैं ठीक है तो हम लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे हैं बट वही अगर हम इसकी बात करें डाइवर्जन में इसमें भी हम लगाएंगे, बट इसमें हर एक चीज को एक्सप्रेस करते हैं जो हमें जैसे अच्छा लगता है हम वैसे अपने अपने आंसर्स को एक्सप्रेस कर देते हैं रिप्रेजेंट करते हैं कुछ उनको पैरा के फॉर्म में लिखते हैं कुछ उनको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाते हैं कुछ बुलेट्स पॉइंट्स के फॉर्म में समझाते हैं तो वो हम अपनी क्रिएटिविटी बता रहे हैं क्योंकि तो हम अलग अलग तरीकों से उसको आंसर को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक तो यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग लगेगी हम दिमाग लगा के सिर्फ एक ही पर्टिकुलर आंसर यहाँ पे सो सकते हैं ठीक है अगर आप आपको कोई एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी था कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कौन सी होती है तो वो होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग ठीक आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि उतने पर्टिकुलर एक चीज से बाहर सोचना ठीक है बाहर सोचना मतलब सब हर एक चीज के बारे में सोचना हर एक वही मल्टी आस्पेक्ट मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग आ जाएगी ठीक तो आउट ऑफ दॉक्स ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी हम इसी में ही करते हैं ये आपने वर्ड पढ़ा होगा ब्रेन स्टॉमिंग जब हम चीजों को ब्रेन स्टॉम करते हैं जैसे वही गेट्स लगाते हैं हम सोचते हैं ऐसा होगा या वैसा होगा ठीक हम अपने दिमाग में ब्रेन स्टॉमिंग करते तो जब हम देखो यहाँ पे तो पर्टिकुलर एक आंसर निकलेगा बट यहाँ पे तो डिफरेंट आंसर निकलेंगे ना यहाँ पे देखो मैंने आंसर निकल के आ रहे हैं तो जब ऐसी सिचुएशन होगी जब हमारे पास बहुत सारे जब एक क्वेश्चन का हम 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 बहुत सारे आंसर दे सकते हैं तो हम भी करेंगे ठीक आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचेंगे हम क्रिएटिविटी भी लेके आएंगे तो ये चीज है ठीक डाइवर्जेंट में ये चीज ये पॉइंट होंगे कन्वर्जन के ये पॉइंट होंगे वेरी सिंपल बट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो आपको पॉइंट जो इसमें याद रखने हैं होती होती है है हमारी हमारी जैसे मैंने आपको समझाया ठीक होती है हमारी thinking. ठीक जब सब सब हम पूरे मान लो ये सब logic लगा हमने तीन चार जितने भी लॉज हम पर्टिकुलर एक आंसर के ऊपर आ गए ठीक होगी हमारी कन्वर्जेंट uh, थिंकिंग ठीक है क्लोज एंडेड जैसे एक पर्टिकुलर एक में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन निकलेगा यहाँ पे मैनी आंसर्स या सॉल्यूशंस ओनली वन करेक्ट आंसर यहाँ पे एक ही आंसर लेके आते हैं हर एक लॉजिक लगा के हमको एक आंसर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई एम सी क्यू ट्रू फॉल्स ये नो जहाँ पे हमें पता है कि हम एक ही चीज आंसर जहाँ पे हम अपना मतलब ज्यादा कुछ और गैसेज uh, नहीं लगा सकते कुछ भी अपने तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पे हमें लॉजिक लगा के कोई एक जैसे हम सीटेट के एग्जाम देते हैं ठीक हमें कोई एक लॉजिकली जो आंसर ठीक रहेगा हमें वही चूज करना है हम दो या चार या कुछ भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते ठीक और ये आ जाएगी हमारा सब्जेक्टिव जैसे हम अपने बी के एग्जाम देते हैं हम वहां पे अच्छे से अपने आंसर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये चीजें हो गई कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि जब क्वेश्चन पूछते हैं ना आपसे एग्जाम में तो आपके बीच क्वेश्चन वहाँ पे स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन में कन्वर्जन डाल देंगे डाइवर्जन डाल देंगे ठीक बहुत सारे क्वेश्चन में डाल के देंगे और ये टॉपिक ऐसे है ये सी नहीं सी डी पी नहीं कवर करेगी ये आपकी हर एक पैडागोजी ये सब पैडागोजी रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं ठीक है किसी ने भी आपको कन्वर्जन थिंकिंग के बारे में पूछ सकता है कि किसी बच्चे की कन्वर्जन थिंकिंग इन मैथ इन साइंस इन ईवीएस सोशल इंग्लिश किसी में भी ठीक तो ये आपको चीजें याद रखनी है ये पेडोलॉजिकल बेस्ड टॉपिक्स भी होते हैं जो सब में पूछे गए हैं अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ठीक चलो ये पेपर टू ये है पेपर टू हाँ टू थाउजेंड एटीन का क्वेश्चन है ठीक है चलो क्वेश्चन समझो डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर आप देखो अब आप आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो बट अगर आपको ये टॉपिक की समझ नहीं होगी तो आप इसका आंसर भी नहीं दे पाओगे ठीक है है को, कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी आपको समझ होना जरूरी क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी याद रखना है, है जेपी गिलफोर्ड ने दी थी क्रिएटिव डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट गन, गन, थिंकिंग अच्छा क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू दी रिलेटेड टू दी ंसेप्ट ऑफ ठीक है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड टू कौन से कंसेप्ट सम, समझते हो आप क्रिएटिविटी है तो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होती है हमने दो पढ़ी थी कैटल की फ्लूड एंड क्रिस्टलाइज फ्लूड जो होती है हमारी बाय बर्थ होती है ये हम एक्वायर करते हैं तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड

में बच्चा बाहर को उसकी सोच जा रही है मतलब ओपन एंडेड ठीक अलग अलग डायरेक्शंस में उसकी सोच जा रही है तो डायवर्जन थिंकिंग में होता है क्रिएटिविटी क्योंकि बच्चा यहाँ पे गैस लगा सकता है बच्चा अपने हिसाब से कोई आंसर दे सकता है बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है बच्चे के दिमाग में जो भी चल रहा है जो, को जो अगर मैं बोलूं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो चीज आएगी तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर ही आएगी क्योंकि यहां पे बच्चा अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकता है तो क्रिएटिविटी रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग ठीक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने आपने ठीक है ठीक समझ गए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ठीक है चलो क्वेश्चन समझो फिर ये भी पेपर टू का क्वेश्चन है बट ये 2019 का ठीक है समझो अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय इंफोसाइजिज कन्वर्जन थिंकिंग थी डिस्करेज डाइवर्जन थिंकिंग ठीक है एनकरेज मल्टीपल परस्पेक्टिव एंड एप्रिशिएट ओरिजिनल आइडियाज ठीक है डिसेज स्टूडेंट्स टू टेक रिस्क ठीक समझ गए तो क्वेश्चन समझो अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर कैसे एनकरेज कर सकता है टीचर एक क्रिएटिव लर्नर को ठीक पहला करे सॉरी कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए डिस्करेज करे डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए साथ साथ में ये आप उसको क्रॉस uh, करते चलो हमने नहीं करना ठीक एनकरेज करे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज डिस्करेज स्टूडेंट टू टेक रिस्क ये दोनों ऑप्शन तो गलत है अब कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या देखो क्रिएटिव लर्निंग की बात आ गई फिर से तो यहाँ पे देखो ना मेरी बात समझो कन्वर्जेंट थिंकिंग जब आएगी तो बच्चे जो बच्चे को पता होगा कि ये आंसर ही ठीक है बच्चा उसी को ही मतलब ठीक करेगा क्योंकि बच्चा लॉजिक लगा रहा है ठीक लॉजिक लगाएगा बच्चा बच्चा बुक में जो उसने चीजें पढ़ चुका है उसको पता है कि ये चीज है एज सच बच्चा एज सच उस चीज को करेगा तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग में आएगा ठीक तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है बट जब बच्चा मल्टीपल पर रखेगा देखो ओरिजिनल आइडियाज कब आएंगे बच्चे के अब बच्चा एग्जाम्पल अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ठीक आपने यहाँ पे जो टॉपिक पढ़े हैं तो अब अब आपने देखना है कि आप अब जो टिक क्वेश्चन कर, टिक करोगे सॉरी जो ऑप्शन टिक करोगे वो आपको पता है कि ये इसका आंसर है क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो कि क्रिएटिव इज इक्वल टू डाइवर्जेंट थिंकिंग जो क्रिएटिव क्रिएटिविटी है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है ठीक ये आपको पता लग गया आपने ये करना है वो उस चीज को टिक कर दिया जहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग है बट जब एक बच्चे के लिए जब उसको हम वो चीज ओरिजिनल तो नहीं है ना वो आप पढ़ते आ रहे हो समझ रहे हो पर जब हम बच्चे को डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए उसको प्रमोट करेंगे एनकरेज करेंगे तो उस बच्चे के ओरिजिनल आइडियाज ही निकल के आएंगे क्योंकि हम उसको कोई वो नहीं करेंगे तुम्हें लॉजिक आंसर लगा के सिर्फ एक पर्टिकुलर आंसर पे आना है तुम जितने मर्जी चीजें सोच लो तुम जितने मर्जी गेस्ट लगा लो तुमने कुछ भी सोचना है बट वो बच्चे को हम एनकरेज करेंगे ठीक इनकरेज करेंगे ना, थिंकिंग में, कि तुम कुछ भी सोचो अपने जितने उसको लगता है कि ये चीज सही है या गलत है अपने बारे में जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं करो ठीक जो आंसर इसका ठीक निकल सकता है बताओ तो बच्चे के ऑब्वियसली ओरिजिनल आइडियाज ही निकल के आएंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्रिएटिविटी वही होती है जब हम कोई एक नई चीज बनाते हैं अब मान लो कोई बच्चा है कंप्यूटर एप्लीकेशन का ठीक है अब उसने अगर कोई नई चीज डेवलप करनी है कोई नई ऐप बनानी है समझ गए अब वो चीजों को तो लॉजिकली लगाएगा लगाएगा बट जब क्रिएटिविटी निकल के आएगी जो उसकी ओरिजिनल चीज होगी वो डाइवर्जेंट सोचेगा तभी आएगी अगर वो एक ही पर्टिकुलर चीज को सोचता रहा तो वो उसकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी ठीक बट जब वो अलग चीज सोचेगा कुछ अलग सोचने की कोशिश करेगा तो वो उसकी वो नई ऐप बनाने की कोशिश करेगा तो उसको कुछ ओरिजिनल काम करना ही पड़ेगा जो पहले काम नहीं हुआ है ठीक तो इसमें आपकी ओरिजिनल आइडियाज आएंगे इसमें आपके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स निकल के आएंगे तो ये होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग और ये रिले रिलेटेड है किसी क्रिएटिविटी से ठीक है ठीक समझ गए ये था इसका करेक्ट आंसर तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछे गए तो आपने याद रखना है कि डायवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है ठीक ठीक है तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ चुकी हैं ये टॉपिक आपको समझ आ चुका है क्योंकि ये पैडागोजिकल बेस्ड टॉपिक्स हैं क्वेश्चंस भी इसमें पैडागोजिकल बेस्ड जाएंगे आपकी जो भी इंग्लिश पैडागोजी हिंदी पेडागॉलॉजी मैथ्स पेडागॉजी साइंस अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं चीजें पूछी जाती है जो आपको समझनी है क्योंकि अगर बच्चे का उन्होंने पूछा कि क्रिएटिविटी से रिलेटेड है तो वो उसकी डायवर्जेंट थिंकिंग है और अगर वो बच्चा किसी एक सोल्यूशन तक आ रहा है मतलब उसकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है ठीक है ओके तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ चुका है इनकेस आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करें थैंक यू सो मच